तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो दिया गया है, फंक्शन का जो डोमेन है रियल नंबर है और कोडोमेन ऑल रियल नंबर है, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आपको पहले ये क्वेश्चन समझना है ना, क्वालिटेटिव आस्पेक्ट देखना है, क्वेश्चन है क्या, क्योंकि कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मदद करेगा। ये अलग की बात है, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, हमें मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसे कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए हमें प्रूफ करना है कि ये इंजेक्टिव नहीं है, मतलब ये वन वन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जानते हैं कि ग्राफ को कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए तो ग्राफ को क्या करेगा, वो कहीं मोर देन टू और मोर पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ऐसा हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा ही प्रूफ करना है। क्या ऐसा कर रहा होगा, कैसे हम ड्रॉ करें? तो देखिए, हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इसका, और कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ, तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। सबसे पहला काम, अगर हम यहाँ से देखें एक्स से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड कर दोगे तो ये एक्स प्लस वन बाई एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से आइडिया क्या मिलती है कि अगर हम ग्रेटर देन एक्स पॉजिटिव के लिए बात करें, ठीक है, पॉजिटिव एक्स के लिए बात करें तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है, और अगर एक्स पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ नीचे नहीं आएगा, है ना। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं होगा, ग्राफ कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थोड़ा और एस्टिमेट करते हैं, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है, मतलब ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक्स इन्फिनिटी ले जाइए, एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो ये देखिए जीरो हो जाएगा और ये इन्फिनिटी को जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर काफ़ी लार्ज होगा। अब वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब ये एक्स एक्सिस को टच करने की कोशिश करेगा, है ना, अगर एक्स लार्ज करते चले जाए तो। दूसरी बात, ये एक आस्पेक्ट हो गया। दूसरा बात, हम लोग जानते हैं कि एम अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो अगर हम दो नंबर पे एम लगा दें, एक्स और वन बाई एक्स पे एम जी एम देख लें, तो इसका एम क्या हो गया, एक्स प्लस वन बाई एक्स बाई टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो यहाँ से आपका आ गया एक्स प्लस वन बाई एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपका टू हो जाएगा। इसका मतलब डिनोमिनेटर हमेशा दो से बड़ा आना है। इसका मतलब पूरा का पूरा जो पूरी क्वांटिटी है या एफ एक्स की वैल्यू है वो वन बाई टू से छोटी आनी है, मतलब ग्राफ वन बाई टू से ऊपर जाना ही नहीं है, वन बाई टू के क्या रहेगा, ग्राफ नीचे रहेगा। और ये वन बाई टू कब होगा, जब एक्स की वैल्यू वन होगी, है ना, तो ये डिनोमिनेटर टू होगा, मतलब ये वन बाई टू होगा एक्स इक्वल्स टू वन के लिए, से एक्स इक्वल्स टू वन है ये, ठीक। तो वन पे ग्राफ की वैल्यू वन बाई टू होगी, तो ये यहाँ से इंक्रीज करेगा और ये कॉन्टिन्यूस इस तरह से डिक्रीज करता चला जाएगा। तो ये ग्राफ का आस्पेक्ट होगा, कॉन्टिन्यूस तो हमेशा होगा, क्यों, क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, साथ में न्यूमरेटर आपका हमेशा कॉन्टिन्यूस है और डिनोमिनेटर हमेशा कॉन्टिन्यूस है, कभी जीरो होने वाला है नहीं, कोई भी डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, कॉन्टिन्यूस हमेशा होगा। चलिए, तो हमने पॉजिटिव एक्स के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लिया, निगेटिव एक्स का क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है, फंक्शन ऑड है, क्यों ऑड है, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा, माइनस एफ एक्स के इक्वल आएगा, और फंक्शन ऑड होने का मतलब कि ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है, तो जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही ग्राफ क्या होगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसका मतलब कि इधर ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ इस तरह से कुछ आएगा, है ना, तो ये आपका ग्राफ है, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे आप, थोड़ा आपके पास नॉलेज हो जाएगा तो ये चीज़ें बड़ा फास्ट करोगे, है ना। अब देखिए, अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे हम तो ये ग्राफ को दो जगह पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है तो दैट इज सम एक्स वन, और यहाँ पे कट कर रहा है दैट इज सम एक्स टू, और एक्स वन एक्स टू बराबर है नहीं, है ना, लेकिन फंक्शन की वैल्यू वाई वन दोनों जगह पे आ रही है, सेम फंक्शन की वैल्यू आ रही है, साफ साफ दिख रहा है कि क्या है, ये मेनी वन है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो हम लोग हैंडल करते, तो दैट इज द क्वालिटेटिव आस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट, इसे एग्जाम में कैसे, बोर्ड में कैसे दिखाना है। तो इंजेक्टिविटी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, कि इंजेक्टिविटी के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं,
लेट दो वैल्यू हम लोग एक्स वन कॉमा एक्स टू ले लेते हैं रियल नंबर से, सच दैट कि एक्स वन एक्स टू डिस्टिंक्ट हैं, मतलब एक्स वन एक्स टू इक्वल नहीं है, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू कंसीडरिंग कि एफ एक्स वन जो है और एफ एक्स टू, ये जो एक्स वन एक्स टू पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, है ना। हम ऐसे एक्स वन एक्स टू को खोजना चाहते हैं ताकि वो एक्स वन एक्स टू इक्वल भी ना हो लेकिन फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो। इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि वो मेनी वन है, या यूं कह लीजिए इससे प्रूफ हो जाएगा वो वन वन नहीं है, ठीक है, या इंजेक्टिव नहीं है। तो एफ एक्स वन क्या आएगा, फंक्शन की डेफिनेशन ये है, तो एक्स की प्लेस पे एक्स वन रख दीजिए, तो एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स वन, और इधर क्या हो जाएगा आपका एक्स टू का स्क्वायर, सॉरी एक्स टू अपॉन एक्स टू का स्क्वायर प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका एक्स वन एक्स टू का स्क्वायर और प्लस एक्स वन, दैट इज इक्वल्स टू, इधर से क्या आ जाएगा आपका एक्स वन का स्क्वायर एक्स टू प्लस एक्स टू हो जाएगा। सब कुछ एक तरफ ले आते हैं तो एक्स वन एक्स टू का स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर एक्स टू प्लस एक्स वन और माइनस एक्स टू इक्वल्स टू ज़ीरो। इन दोनों से क्या कॉमन हो रहा है, एक्स वन एक्स टू कॉमन हो रहा है, तो एक्स वन एक्स टू कॉमन कर लेते हैं, अंदर बचेगा एक्स टू माइनस एक्स वन, यहाँ से माइनस वन कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ भी आपका हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल्स टू ज़ीरो। फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा, आप यहाँ से क्या कर लीजिए एक्स टू माइनस एक्स वन कॉमन कर लीजिए, तो एक्स टू माइनस एक्स वन कॉमन कर लिया, क्या बचेगा एक्स वन एक्स टू माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए x2 टू माइनस एक्स वन जीरो तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये पहले हम एज्यूम करके चले हैं कि x1 x2 डिस्टिंक्ट है, मतलब इक्वल नहीं है, तो सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी है ये ब्रैकेट जीरो हो जाए, तो दैट इंप्लाइज x1 x2 टू माइनस वन जीरो होगा। इसका मतलब कि x2 टू यहाँ से क्या आ जाएगा वन बाई एक्स वन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप कह देंगे क्लियरली जो x1 पे फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स वन और f1 वन बाई एक्स वन, है ना, ये क्या होगा इक्वल होगा, वेयर वेयर x1 वन नॉट इक्वल्स टू वन बाई एक्स वन। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स x1 वन नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, है ना, प्लस माइनस वन नहीं होना चाहिए। दिखाने के लिए आप दिखा सकते हो कि जो x1 मान लीजिए टू ले लेते हैं तो वन बाई एक्स वन क्या हो जाएगा वन बाई टू। दोनों प्लेस पे आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे क्योंकि दोनों रियल नंबर हैं, तो दोनों पे फंक्शन की वैल्यू f2 कितना आ जाएगा 2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 2 अपॉन 5 आ जाएगा। तो 2 पे भी फंक्शन की वैल्यू 2 बाई 5 हो गई और 1 बाई 2 पे भी आप निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 2 बाई 5 आ गया। साफ साफ दिख रहा है कि फंक्शन क्या है मेनी वन है, है ना। तो यहाँ से ये दिखाने की आपको एक एग्जांपल प्लेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम कह देंगे इम्प्लाइज f इज नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव या आप लिख दीजिए नॉट वन 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 वन, ठीक है। तो ये एक पार्ट आपका प्रूफ हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग, तो सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं हम लोग, इसका क्वालिटेटिव आस्पेक्ट पहले देख लेते हैं जो आपके आईक्यू को इन्हेंस करेगा। हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्टिव फंक्शन कौन होते हैं जिसमें जो को डोमेन होती है रेंज के बराबर हो जाती है, है ना। तो ग्राफ देखिए आप, ग्राफ में क्या दिख रहा है, रेंज तो इसकी माइनस हाफ से हाफ लग रही है, पूरा रेंज कवर हो ही नहीं रहा है, है ना। माइनस हाफ के नीचे वाले कोई भी वैल्यू का प्री इमेज नहीं होगा, या फिर प्लस हाफ के ऊपर वाले किसी भी वैल्यू का प्री इमेज नहीं होगा। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है ग्राफ से, ये क्या है आपका सब्जेक्टिव नहीं है, है ना। और यही आपको प्रूफ करना है, ऑब्जेक्टिव होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन हमें बोर्ड में दिखाना है सब्जेक्टिव। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट बोर्ड में कैसे दिखाएंगे। तो देखते हैं हम लोग, सब्जेक्टिव फंक्शन होने के लिए हमें रेंज निकालना पड़ेगा, और वो रेंज अगर रियल नंबर के इक्वल आ गया तब तो ये सब्जेक्टिव है, मतलब ऑन टू है, अदरवाइज ये इन टू होगा। तो रेंज तो निकालना पड़ेगा, रेंज के लिए हमने मान लिया एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, तो लेट से एफ एक्स इक्वल्स टू हमने ले लिया y, तो y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्वाड्रेटिक बनाइए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। अब x तो रियल है ना, क्योंकि आप
x क्या है, डोमेन का पार्ट है, तो x रियल होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इंप्लाइज जो डिस्क्रिमिनेंट होगा ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेंट होगा क्या, डिस्क्रिमिनेंट आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो माइनस का स्क्वायर माइनस फोर ए आपका वाई है और सी भी आपका वाई है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो आ गया। तो ये आ गया वन माइनस कितना हो गया आपका फोर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स फोर वाई स्क्वायर माइनस वन लेस देन आर इक्वल्स टू जीरो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, मतलब ग्रेटर देन बिकम लेस देन या लेस देन बिकम ग्रेटर देन। यहाँ फैक्टराइज कर लीजिए तो ये टू वाई प्लस वन आ जाएगा और टू वाई क्या आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा लेस देन आर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स देखिए, ये कहाँ जीरो होगा माइनस हाफ पे, और ये ब्रैकेट कहाँ जीरो होगी प्लस हाफ पे। साइन प्लॉट करते हैं हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन का, और उसमें से हम डिसाइड कर लेंगे कि लेस देन जीरो वाला कौन सा रीजन है ना, वो वाई हमारे काम का होगा। तो देखिए अगर वाई अगर माइनस हाफ से छोटा रखते हैं, सपोज कोई बड़ी सी लेते हैं माइनस टेन ले लेते हैं, तो अगर माइनस टेन ले लेते हैं तो ये माइनस ट्वेंटी और समथिंग, ये निगेटिव ब्रैकेट आएगी और इस ब्रैकेट की वैल्यू भी निगेटिव आएगी वाई के माइनस टेन के लिए, मतलब निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस साइड में पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, फिर ये साइन चेंज करेगा है ना हर क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट, यहाँ निगेटिव हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरे एक्सप्रेशन की साइन हो गई, लेकिन आपको चाहिए क्या, वो रीजन चाहिए जहाँ पे ये लेस देन आर इक्वल्स टू क्या है जीरो है, मतलब ये हो गया, ठीक है, ये आपका फेवरेबल हो गया, यहाँ पे वाई होगा। तो आप वाई क्या कहोगे, वाई जो है दैट इज क्लोज इंटरवल ऑफ माइनस हाफ से हाफ हो गया। अब ये लो, ये तो रेंज का क्या है, ये आर का सबसेट है, ये आर के बराबर तो है नहीं, इसका मतलब कि ये इनटू फंक्शन है, ऑनटू फंक्शन या सब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। इम्प्लाइज एफ इज नॉट सब्जेक्टिव या फिर ऑनटू कहेंगे। तो आपके इस पार्ट में दिया गया है कि आपको फॉग निकालना है, फॉग एक्स है ना, तो एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज एफ ऑफ जी एक्स। तो जहां भी फंक्शन एफ की डेफिनेशन फॉलो करिए, जहां एक्स है वहां पे जी एक्स रख दें, तो जहां एक्स है एफ वाले में वो जी एक्स रख दें, तो क्या हो जाएगा आपका जी एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस वन। लेकिन जी एक्स की खुद डेफिनेशन क्या है, 2x माइनस वन, तो यहाँ पे क्या रख दिया जाए जी एक्स की प्लेस पे 2x माइनस वन, ये हो जाएगा 2x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 2x माइनस वन अपॉन ये ए स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर और माइनस 2ab मतलब माइनस 4x और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 और 1 पहले से है तो प्लस का 2 हो गया। तो दैट इज योर फॉग एक्स।